तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रुद्र, आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों फाइनली आज हमारे गेम के अंदर शुरू हो चुका है क्लैन बैटल। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा समझाने वाला हूँ कि कैसे आप क्लैन बैटल को खेल सकते हो एंड अपने क्लैन को जितवा सकते हो एंड ले सकते हो परमानेंट पैरासूट के स्किन, साथ ही साथ अच्छे खासे रिवॉर्ड। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर से एक लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए ज़्यादा देर न करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज से ठीक 4 दिन पहले क्लैन बैटल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था एंड मैंने बताया भी था कि रजिस्ट्रेशन आपको करके रख लेना है एंड वहाँ पर यह भी मेंशन था कि 4 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपके जो क्लैन के लेवल है उस हिसाब से आपका ओपोनेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हो हमारा क्लैन का लेवल फिलहाल है 2 एंड यहाँ पर हमारे क्लैन के अंदर सिर्फ 14 मेंबर्स है एंड एनिमी क्लैन जो आया है, मतलब हमारे ओपोनेंट में जो आया है उनका क्लैन के अंदर भी देख सकते हो उनका क्लैन का लेवल भी 2 है एंड सिर्फ 13 बंदे हैं। मतलब आपके जो क्लैन के लेवल है उस हिसाब से आपको ओपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो एक पूरा का पूरा रोड मैप है एंड 14 दिन तक ये इवेंट या आप कह सकते हो क्लैन बैटल चलने वाला है एंड 14 दिन के अंदर बेसिकली हर एक दिन आपको किसी ना किसी बेस को कैप्चर करना पड़ेगा एंड जो ज़्यादा बेस कैप्चर करेगा वही ये क्लैन बैटल को जीतने वाला है। तो 14 में से मान लो हम लोग 8 बेसिस कैप्चर कर लिए एंड जो हमारे ओपोनेंट टीम है वो सिर्फ 6 बेसिस कैप्चर कर पाए, तो भाई हम लोग वो क्लैन बैटल जीत जाएंगे। एंड जो लोग इस बार के क्लैन बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं ले पाए, टेंशन मत लो, क्योंकि ये जब क्लैन बैटल एंड हो जाएगा उसके बाद आपको दोबारा से क्लैन बैटल स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप टेंशन मत लो, आप नॉर्मली अपना जो क्लैन है उसको बिल्ड करो एंड जो भी सारे एक्टिव प्लेयर्स हैं उनको क्लैन के अंदर लो, क्योंकि एक्टिव प्लेयर्स का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इस क्लैन बैटल को खेलने के लिए एंड एक्टिव प्लेयर्स ही आपको क्लैन बैटल को जितवा सकता है। तो भाई एक्टिव प्लेयर ज़रूर से अपने क्लैन के अंदर इंक्लूड कर लेना। एंड यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर क्लैन बैटल टाई हो जाता है, मतलब 14 दिन में से 7 दिन आप जीते, 7 दिन आपके ओपोनेंट टीम जीता, तो भाई दोनों का रिवॉर्ड सिमिलर टाइप का मिलेगा। जो परमानेंट रिवॉर्ड है वो दोनों क्लैन को ही मिल जाएगा, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर टाई भी होता है तो रिवॉर्ड सबको सिमिलर मिलेगा एंड अगर आप जीत जाते हो तो भाई क्या कहना आपको। परमानेंट जो रिवॉर्ड्स है मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइनल रिवॉर्ड क्या रहने वाला है, एक परमानेंट पैराशूट का स्किन, साथ ही साथ क्लासिक सीक्रेट कूपन एंड 100 AG करेंसी, ये आपको जो जीतेगा क्लैन उनको मिल जाएगा एंड सभी प्लेयर्स को मिलेंगे जो भी क्लैन बैटल के अंदर पार्टिसिपेट लेंगे। एंड फाइनल रिवॉर्ड लेने के लिए आपको एटलीस्ट 500 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे क्लैन बैटल के अंदर, तभी जाके आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। मतलब अगर आपका क्लैन जीत भी जाता है एंड आप क्लैन बैटल को नहीं खेलते हो, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हो, एक भी मिशन कंप्लीट नहीं किया, पॉइंट कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। आपको 500 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे क्लैन बैटल्स के अंदर, तभी जाके आपको फाइनल रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे आप पॉइंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड क्लैन बैटल को जीत सकते हो। तो यहाँ पर आपको डेली 4 मैचेस का मिशन देखने को मिलेगा, हर एक मैच के अंदर आपको मिशंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि सबसे पहला मैच का क्या मिशन है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया कि कंप्लीट 1 क्लासिक बोर्ड मैच। यहाँ पर अगर मैं एक क्लासिक बोर्ड मैच खेलता हूँ तो 5 पॉइंट मिल जाएगा एंड उसी मैच के अंदर क्या करना है, टीम अप करना है मुझे किसी भी क्लैन मेंबर के साथ। तो कोई भी जो क्लैन के अंदर आपके दोस्त हैं उनको बुला लो एंड उसी सेम मैच के अंदर अगर मैं टॉप 10 के अंदर फिनिश कर लेता हूँ तो तीनों मिशन मेरा काउंट हो जाएगा। मतलब मैंने क्लासिक मोड मैच भी खेला जहाँ पर मुझे 5 पॉइंट मिल गया, मैं क्लैन मेट्स के साथ भी खेल रहा हूँ जहाँ पर मुझे और 5 पॉइंट मिल गया एंड साथ ही साथ मैं टॉप 10 के अंदर भी फिनिश कर लिया, मतलब और 8 पॉइंट मुझे मिल गया। तो ऑल टोटल यहाँ पर मुझे एक मैच के अंदर 18 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो अगर इनमें से मैं कुछ भी पॉइंट छोड़ देता हूँ, मतलब कुछ भी मिशन अगर छोड़ देता हूँ, मतलब नॉर्मल में अगर क्लासिक मोड मैच खेलता हूँ एंड टॉप 10 के अंदर फिनिश करता हूँ बट मैं क्लैन मेंबर के साथ नहीं खेलता हूँ, तो मुझे सिर्फ 5 पॉइंट मिलेंगे एंड 8 पॉइंट मिलेगा, बीच का जो 5 पॉइंट है वो नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से अगर मैं टॉप 10 के अंदर फिनिश नहीं कर पाया, उतर के ही मर गया मैं, बट उस मैच के अंदर मैं क्लैनमेट के साथ खेल रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 5 एंड 5 पॉइंट मिलेंगे, जो 8 पॉइंट का था वो नहीं मिलेगा। मतलब इस टाइप का होने वाला है, एक मैच जो काउंट होगा आपका वहाँ पर आपको तीनों मिशन ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे एंड इस हिसाब से आपका पॉइंट आगे बढ़ता रहेगा। एंड इंडिविजुअल पॉइंट का एक बार भी है जहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अगर आप 10 पॉइंट कलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर AG करेंसी मिल जाएगा, अगर आप 40 पॉइंट कलेक्ट कर लेते हो तो आपको सप्लाई क्रेट कूपन स्क्रैप मिलेंगे, साथ ही साथ 60 UC का एक वाउचर भी मिलेगा अगर आप 110 पॉइंट कलेक्ट करते हो। फिर 210 पॉइंट में आपको मिलेगा सप्लाई क्रेट कूपन, 340 पॉइंट में आपको मिलेगा एक पैराशूट ट्रेल एंड 550 पॉइंट में आपको मिलेंगे यहां पर पेंट एंड 800 पॉइंट्स में आपको मिलेंगे प्रीमियम क्रेट कूपन। तो इस हिसाब से आप पॉइंट कलेक्ट करके अपने क्लैन बैटल के अंदर कंट्रीब्यूशन दे सकते हो एंड यहाँ पर आप मिशन को एक्टिव भी कर सकते हो एंड डिसेबल भी कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे एक टिक मार्क वाला साइन है, मतलब अगर मैं अभी नॉर्मल क्लासिक मोड मैच खेलने जा रहा हूँ, मुझे मिशन जो क्लैन बैटल के मिशन है उसको कंप्लीट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे मिशन काउंट नहीं होंगे। एंड जब भी आपके क्लैन मेट्स आ जाएंगे आपके साथ खेलने एंड आप सोच रहे हो कि अभी क्लैन बैटल के मिशन कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली इसको एक्टिवेट आपको कर देना है। तो इस टाइप से आप एक्टिवेट भी कर सकते हो मिशन को एंड डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, ताकि अगर आप नॉर्मल खेलने जाओ तो वहाँ पर क्लैन बैटल का जो मिशन है वो
काउंट ना हो। एंड जब भी आपका फर्स्ट मैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेकंड मैच का कुछ अलग मिशन आ जाएंगे एंड वहाँ पर भी सेम होने वाला है, तीनों मिशन को आपको टारगेट करना है। कुछ भी अगर आप एक मिशन को छोड़ देते हो तो उसका पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, तीनों मिशन को आपको एक मैच के अंदर कंप्लीट करना है। तो काफी सिंपल है, मैंने आपको इजीली समझा दिया। एंड अगर आपको चेक करना है कि आपके क्लैन के अंदर कौन से मेंबर ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रैंकिंग करके एक ऑप्शन है जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा बंदा ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारे क्लैन के जो प्लेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट अभी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। अभी तक सारे प्लेयर्स एक्टिवेट नहीं है पूरी तरीके से, जब सारे प्लेयर्स इन मिशंस को कंप्लीट करेंगे तो जल्दी जल्दी हमारा पॉइंट गेन होगा, हमारा जीतने का चांस और भी बढ़ेगा। एंड अगर आप एक दिन के अंदर एक बेस को ऑक्यूपाई कर लेते हो तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलने वाला है, जैसे कि देख पा रहे होंगे 30 यहाँ पर एजी करेंसी मिलेगा, साथ ही साथ एक क्लासिक क्रेट कूपन स्क्रैप भी मिलेगा, मतलब ये क्रेट आपको मिलेगा अगर आप एक बेस को ऑक्यूपाई कर लिए। एंड 14 दिन का पूरा चलने वाला है क्लैन बैटल, तो लगातार हर एक दिन आपको बेस ऑक्यूपाई करते जाना है अगर आपको जीतना है क्लैन बैटल। जितना आप ज़्यादा बेस ऑक्यूपाई करोगे उस हिसाब से आप जीतने वाले हो क्लैन बैटल को। तो काफ़ी सिंपल है, मैंने इजीली आपको समझा दिया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है क्लैन बैटल रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम के अंदर डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है rp_information। वीडियो अगर हेल्पफुल एंड अच्छा लगा है लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि सबको पता चले कि कैसे वो क्लैन बैटल को खेल सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो डेली इन्फॉर्मेटिव स्कोर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा मिस ना करो। तो चलिए फिर मुलाकात होगा और एक नया वीडियो के साथ, तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे।